राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की मौत के मामले में परिवार ने कई दावे किए हैं। बच्ची की चाची ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि उसके शरीर पर कई चोटें थी, हाथ पैर टूटे हुए थे। परिवार ने पुलिस पर मामले को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। चाची ने बताया कि बच्ची 4 अक्टूबर को ट्यूशन गई थी, वापस लौटते समय लापता हो गई। उसके पिता ने बच्ची को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नहीं ढूंढ पाए तो महिषमारी पुलिस चौकी गई। हालांकि वहां पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और जयनगर थाने जाने को कहा। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा पुलिस को इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करना चाहिए, दोषियों को 3 महीने के भीतर मृत्यु दंड मिले ये तय किया जाए। दरअसल जयनगर के कृपाखाली इलाके के कुलटाली थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने 5 अक्टूबर को बच्ची का शव बरामद किया था। वह 4th क्लास की छात्रा थी। परिवार ने बच्ची से रेप के बाद मर्डर का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में भीड़ ने महिषमारी पुलिस चौकी में आग लगा दी और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था। दूसरी तरफ घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने आज जिले में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो, विधायक अग्निमित्रा पाल भी शामिल थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।